they say, the first impression is the last impression. We say, if that's the case, make it everlasting. A new chapter in life always opens the gates for your style upgrades. We at Dazzler Eternal Love Yourself are fully prepared to give you that everlasting impression. Every episode will showcase a stylist, a makeup artist, and a photographer. Today on Love Yourself, we have a college student who's starting a new life. Let's see what Riya Singh is expecting out of us. Hi, my name is Riya Singh. My age is 18. I have completed my schooling complete and I'm ready to go to college. When we go to school, we have restrictions. We live in school dress. But in college, there's nothing like that. तो इसलिए मुझे एक मेकओवर चाहिए जिससे कॉलेज में जाके मुझे हेल्प मिल सके और मैं एक स्टाइल आइकॉन की तरह बनूं। हेलो रिया। हेलो, हाउ आर यू? वेल, आई एम वेरी गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। रिया, आप अभी अभी कॉलेज लाइफ शुरू कर रहे हैं, बताइए yes. हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? मुझे एक ऐसा लुक चाहिए जो एक्सप्रेसिव हो, बहुत ही अच्छा हो और मैं कॉन्फिडेंट फील कर सकूँ उस लुक में। ओके, सो इस लुक को बनाने के लिए आपकी ड्रेसिंग के साथ साथ आपकी स्किन, आपके हेयर को भी हमें थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि मुझे आपको कहाँ भेजना चाहिए। थैंक यू। बिफोर आई सेंड यू एनीवेयर, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। दिखाओ। या श्योर, आई वुड लव टू। टर्न अराउंड। ये दिख रहा है आपको? Okay. ये है लव योरसेल्फ मिरर। तो यहाँ पे आप अभी अपने आप को अच्छे से देख लो। देख लिया? या। आई वॉन्ट टू मेक अ प्रॉमिस टू यू। ओके। अगली बार आप जब लव योरसेल्फ मिरर देखेंगे then you will not be this Riya. You will be the Riya of your dreams, the Riya that you desire. I would love to do that. Thank you so much for this. एक और बात बता दूँ, अब इस पूरी makeover journey में आपको कोई भी mirror देखने को नहीं मिलेगा। Oh, no problem, no issues. चलो तो शुरू करें आपकी makeover journey. Yeah. Well, आपकी makeover journey में first up is wardrobe. तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप जाएं और मिले गौरव कट्टा से। हाय, माय नेम इज रिया सिंह और मुझे मेरे कॉलेज के लिए नया लुक चाहिए, नई ड्रेस चाहिए जो आप अच्छे से एकदम बेटर तरीके से मुझे सजेस्ट कर सकें और जो मेरे लुक पे, मेरी बॉडी टाइप पे और मेरे स्किन टोन पे एकदम अच्छी लगे। रिया को मैंने बताया कि वेस्टर्न वेयर में उसको न्यूड कलर्स पहनने चाहिए और कुछ ना कुछ एक्सेसरी के साथ उसको कंबाइन करना चाहिए। इस तरह का वेस्टर्न आउटफिट आप पहन सकते हो। ये बहुत न्यूड कलर का है। उस गाउन की स्पेशलिटी ये थी कि उसमें नेपल कॉलर था जो कि एक जनरली कोर्ट में अपन लोग देखते हैं। अच्छा, ये वेस्टर्न आउटफिट जो भी होते हैं उनके साथ आप कुछ ना कुछ एक्सेसरी कंबाइन किया करो। उसको मैंने कंबाइन किया एक दुपट्टे के साथ जिसको मैंने उसको सिखाया कि किस तरह से उसको आप अपने नेक पे पहन सकते हैं, अपने वेस्ट पे अटैच कर सकते हैं, वेस्ट पे आप बो बना सकते हैं, नेक पे भी आप बो बना सकते हैं, अलग अलग स्टाइल्स में आप उसको पहन सकते हैं। I love this dress, seriously. तो आप ये पहनिए और पहनने से पहले आप जाइए साक्षी जी के पास और अपना मेकअप करवाइए। सर। हेलो रिया। हाय, कैसे हो? बहुत अच्छे। रिया काफी यंग गर्ल हैं, पर वो अपने स्किन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही थी। उनके स्किन पे पिगमेंटेशन थी, उनके डार्क सर्कल्स थे, हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं थे पर वो फिर भी विजिबल हो रहे थे। रिया की स्किन पे सबसे पहले मैंने अप्लाई करा आईटेक्स टैसला नरिशिंग लोशन। मैंने उनको बताया कि जिस तरह की उनकी ड्राई स्किन है तो वो इसको एज अ स्किन केयर में भी यूज़ कर सकती हैं और जब विंटर्स में उनकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो उनको इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज करके लगानी होगी। रिया की स्किन पे फिर मैंने अप्लाई करा डैसला इटर्ना परफेक्ट ग्लो प्राइमर ताकि उनके जो मेकअप का स्टे है वो लंबे समय तक के लिए बना रहे और उनकी स्किन जो है वो एकदम मेकअप के लिए प्रिपेयर हो जाए। रिया के फेस पे बहुत थोड़े से स्पॉट्स थे, उनके थोड़ी सी पिगमेंटेशन थी और स्लाइड से उनके डार्क सर्कल्स थे। उनको कंसील करने के लिए मैंने यूज़ करा डैसलर टर्ना ट्रिपल सी पैलेट। इसमें कॉन्टोर्स हैं, हाइलाइटर्स हैं और कंसीलर्स हैं। अभी आपका मैं आई मेकअप करूँगी इसलिए मैं सिर्फ आई एरिया को कंसील कर रही हूँ। रिया ने काफ़ी न्यूड पीच कलर का आउटफिट वेयर किया हुआ था इसलिए मैं उनके आईज़ पे भी यही कलर देना चाहती थी। मैं आप पे यूज़ कर रही हूँ डैसलर टर्ना एंड चांटे आई शेडो पैलेट। जैसे आप देख रहे हो इसमें 6 शेड्स हैं और ये सारे यूजफुल शेड्स हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में आराम से काम आ सकते हैं।
मैंने उनको मैट फिनिश आई मेकअप दिया था, उसके साथ मैंने कॉम्प्लीमेंट करा उनका आई मेकअप टेस्ला इटर्ना आई लाइनर के साथ। उनके ओवरऑल फेस पे फिर मैंने अप्लाई करा डेसलर टर्ना मार्वलस फाउंडेशन, ये एक SPF प्रोडक्ट है और लिक्विड फाउंडेशन है विद फुल कवरेज, तो इसलिए बहुत इजीली ये ब्लेंड हो जाता है फेस पे। उनके फेस के मेकअप को मैंने लॉक करा डेसलर टर्ना शेयर ग्लो कॉम्पैक्ट पाउडर से, ताकि उनके मेकअप का जो स्टे है वो इंक्रीज हो जाए। काजल में मैंने यूज करा डेसलर टर्ना काजल सुप्रीम, ये वन स्ट्रोक के अंदर ही अप्लाई हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट इसका एप्लीकेशन रहता है। रिया के चीक्स पे मैंने अप्लाई करा आईटेक्स डेसलर ब्लश इन द शेड ऑफ सॉफ्ट पीच। रिया के लिप्स पे मैंने अप्लाई करा न्यूट पीचिश पिंक लिप शेड फ्रॉम डेसलर टर्ना लॉन्ग स्टे लिप कलर, और उनके लैशेस को वॉल्यूम देने के लिए मैंने यूज़ करा टेस्ला इटर्ना मस्कारा। ये एक वाटरप्रूफ मस्कारा है जिसका 3D इफेक्ट है, स्मच फ्री है, लॉन्ग लास्टिंग है और ड्यूरेबल भी है। रिया के नेल्स पे मैंने अप्लाई करा टेस्ला इटर्ना नेल ग्लिटर इन द शेड ऑफ पीच मैट, जो उनकी ड्रेस के साथ उनके ओवरऑल लुक के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करा था। रिया जैसे कॉलेज में एंटर हो रही हैं, उनके बालों में काफ़ी अच्छी डेंसिटी भी थी, इसलिए मैंने उनको साइड ब्रेड दी जो उन पे बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, और थोड़ा सा ये इनोवेटिव टाइप का हेयर स्टाइल वो अपने डेली लाइफ में भी कर सकती हैं। That's it. How are you feeling? I'm feeling excited, feeling great. Okay, तो हम आपको ज्यादा वेट नहीं कराते और दिखा देते हैं। Okay. ठीक है? Yes. Done. And now, open your eyes. Oh my God. बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कभी। एकदम नाइस सटल सिंपल लुक जो मुझे चाहिए था वैसा मुझे लुक मिला। अब मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। ओके चलिए तो मैं आपके सरप्राइज को बुलाती हूँ। ओके ठीक है। Surprise! रिया आपसे मिलने आई हैं आपकी मम्मी और आपकी मासी। जब मम्मी और मौसी सामने आई तो आई वॉज लाइक बिट इमोशनल, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, एकदम अलग एक्सपीरियंस था। वेल दैट इज रिया एंड हर फैमिली। She wanted to enter college in style and we gave her her desired makeover. Before she walks into the college, we also want to give her some stylish pictures. So let's go to Yash for a photo shoot. रिया के लुक के हिसाब से हमने सेटअप ऐसा रखा कि फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज उनका लगे, तो हमने एक फैंटेसी लुक उन पे ट्राई किया जिसमें एक ड्रीमी लुक था, जिसमें स्मोक का हमने यूज किया और कुछ रियलिस्टिक प्रॉप्स भी यूज करिए, जैसे लैपटॉप यूज किया, जैसे चेयर पे बैठा के कुछ शॉट्स लिए, और उनकी स्माइल बहुत ही परफेक्ट थी, तो काफी कुछ शॉट्स तो उसी में बहुत अच्छे निकले। मेरा जब फोटो शूट हुआ तो मैं थोड़ा सा नर्वस थी, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट आफ्टर सम टाइम मुझे समझ आने लग गया कि मुझे कैसे प्रॉप्स के साथ पोज करना है। मैं एकदम नॉर्मल हो गई थी और पोजेस भी ढंग से हो रहे थे। A new day, a new look, a new chapter of her life are all here. Rhea is now ready to welcome everything in style. She can also figure out what she needs to build or tweak in order to catch up with the latest styles and trends. Our job is done here. Now it's your turn to drop in your details on dazzlereternaloveyourself@gmail.com to get your makeover or any of your family members' makeover done on Dazzler Eterna Love Yourself with me, your host Akriti Anand. I will see you next time. Until then, remember to love yourself.